क्या है, पहले क्वेश्चन बोला है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्रोबेबिलिटी बहुत आसान चैप्टर है, फुल स्कोर कर सकते हो, तो बस आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? सारे बच्चों को से एक काम करना है, पहले मुझसे पहले आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, ट्राई करना है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो भाई सेम चीज होती है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, एक ही चीज होती है, तो उसी चीज का आपको यूज करना है, कोई नया फॉर्मूला तो आएगा नहीं। तो भैया सबसे पहले आप लोगों को आंसर करना है पढ़ के, ठीक है? चलो आप लोग ट्राई करेंगे, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ। एक इंटीजर लिया गया है फ्रॉम बिटवीन 1 से 100, एक इंटीजर लेना है बिटवीन 1 एंड 100 जो कि 8 से डिविजिबल हो, और ये है नॉट डिविजिबल बाई 8। तो अगर मैं ए पार्ट की बात करूं तो 8 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर होंगे, 8 से डिविजिबल हमारे कौन कौन से नंबर होंगे, जरा बता दो फटाफट कमेंट सेक्शन में। भैया 1 से 100 में 8 हो जाएगा, 8 की टेबल पढ़ दो, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है, 32 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, 56 सॉरी समझ रहे हो, 64 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा, फिर 84 हो जाएगा तुम्हारा, 80 के बाद सॉरी 88 आ जाएगा तुम्हारा, फिर कितना आएगा 94, 88 के बाद तुम्हारा आ जाएगा कितना 96 आएगा ना, 96। कितने नंबर्स होंगे, क्या हमारे इतने नंबर्स होंगे, जरा चेक करो। तो भैया ये कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गए, और दो 12, क्या ये 12 हो रहे हैं, क्या ये 12 हो रहे हैं। अच्छा तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, नंबर जो चाहिए डिविजिबल बाई 8 चाहिए, तो कितना आंसर आएगा 12 अपॉन, ठीक है। अब यहां पे लिखा है कि एक इंटीजर जो चूज करना है वो बिटवीन 1 to 100 लेना था, 1 से 100 के बीच में लेना था आपको, ठीक है, इसके बीच में आपको लेना है। तो अगर बिटवीन लिखा हुआ है तो 1 और 100 को काउंट नहीं करना है, अगर यहां पे फ्रॉम होता, अगर यहां पे फ्रॉम होता तो फिर आपको क्या करना था, 1 और 100 को काउंट करना था। तो इसलिए आपके पास जो नंबर होंगे वो 98 होंगे, कितने होंगे बेटा 98 होंगे, यानी 12 upon 98 आएगा, ठीक है। अब कैंसिल वैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर लो, जरा कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर लो, जैसे ये तुम्हारा 6 आ जाएगा, ये 49 आ जाएगा, ठीक है, और तो कटेगा नहीं यहाँ पे, तो भैया 6/49 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, क्या आंसर 6/49 आ जाएगा, चेक करो 6/49, ठीक है। अच्छा क्लियर हो गया सबको, समझ में आ गया, तो 1 और, अच्छा नहीं सॉरी सॉरी एक मिनट, अरे 100 नहीं ले सकते, 99 तो ले सकते हो ना, 99 तो ले सकते हो यार, 99 आएगा यार, 99 अगर 99 आ रहा है ना, और हम अच्छा 1 नहीं ले सकते हो, तो 1 और 99 अगर 1 नहीं लिया है, सही तो था यार, तुम लोग फालतू करवाते हो, 1 भी हटा दिया, 100 भी हटा दिया, तो 98 नंबर बचे ना तुम्हारे पास, 2 हटा दी, 100 में 2 नंबर हटा दी ना, 1 और 100, तो भैया कितना आया 12/98 ही आएगा, यानी 6 upon कितना था 49। क्लियर सबको, सबको समझ में आ गया 6/49 विल बी योर आंसर। अच्छा अब नेक्स्ट क्या था, बी पार्ट, प्रोबेबिलिटी निकालना है नॉट डिविजिबल बाई 8 की, किसकी, नॉट डिविजिबल बाई 8, मतलब आपका नंबर जो है वो डिविजिबल 8 से नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आपसे ने 8 से डिविजिबल नंबर निकाल लिए हैं, तो आप क्या करो, टोटल प्रोबेबिलिटी में से, मतलब 1 में से माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी किसकी, डिविजिबल बाई 8 की, किसकी, डिविजिबल बाई 8 की, और सॉल्व कर दो इसको, यानी 1 minus 6/49, तो 49 अगर एलसीएम ले लिया तो 49 minus 6, तो क्या आंसर 43/49 आ जाएगा, क्या आंसर 43/49 आ जाएगा, चेक करें क्या आपको समझ में आया। तो ध्यान ये रखना है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है पेपर में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिविजिबल बाई 8 कर देना है, और नॉट डिविजिबल बाई 8 के लिए आप 1 माइनस कर दो, क्या कर दो, 1 माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाई 8 की, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा 43/49। क्लियर सबको, नेक्स्ट क्वेश्चन।